आज हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो नए धार्मिक आंदोलन हैं उनके उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक काल के आर्य का धर्म यज्ञ प्रधान था। उस समय यज्ञ अत्यंत सरल, शुद्ध और व्यक्तिगत होते थे, जिनमें आडंबरों का लेश मात्र भी अंश नहीं होता था। यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वयं मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ संपादित करते थे, अर्थात यज्ञ करने वाला स्वयं पुरोहित की भूमिका का निर्वाह करता था। सामाजिक व्यवस्था भी कर्म पे आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल तथा उसके बाद ऋग्वैदिक धर्म में जटिलता आने लगी। अब यज्ञों को संपादित करने के लिए पुरोहित का होना आवश्यक माना गया, जिससे यज्ञ पुरोहित प्रधान बन गए और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया। उस उनके समय में होने वाले धार्मिक आंदोलनों के जो मुख्य कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है ब्राह्मणों का प्रभुत्व। अपने साधना में सरल जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक युग में ब्राह्मण वर्ग की स्थिति सर्वोपरि थी। वह पठन पाठन और यजन याजन के द्वारा समाज की भौतिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक जरूरतों को पूरा करता था। अतः संपूर्ण समाज भी उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। पौराणिक काल तक आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व सर्वोपरि हो गया था। यज्ञों तथा धार्मिक कर्मकांडों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ब्राह्मणों की प्रधानता भी बढ़ गई। क्योंकि इस युग में जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का एकमात्र आधार वेद ही माने जाते थे, और वेदों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने का विशेषाधिकार ब्राह्मण वर्ग के पास था, अतः उसका प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई काम नहीं बचा था जो ब्राह्मणों से बिना पूछे बिना हो सके। ब्राह्मणों का विरुद्ध असंतोष का एक बड़ा कारण वेदवाद भी था। ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ वेदों पर आधारित थे। ब्राह्मणों की दृष्टि में वेद ईश्वर प्रदत्त थे, अतः वेदों को ही धर्म का मूल समझते थे। वेद विरुद्ध कोई भी बात ब्राह्मणों की दृष्टि में अधर्म थी, परंतु इस समय समाज के में एक ऐसी प्रबुद्ध वर्ग का उदय हो चुका था जो वेदों को पूर्ण मानने को तैयार नहीं था। उनकी दृष्टि में वैदिक ज्ञान भी सीमित था और उनमें त्रुटियां थी। उनका मानना था कि केवल वेद मंत्रों में आस्था रखने और मंत्रों का उच्चारण करने रहने से हम अपनी सभ्यता का और अधिक विकास नहीं कर पाएंगे। उपनिषदों में भी इसी प्रकार की भावना दिखलाई पड़ती है। भौतिक साहित्य में ऐसे बहुत से साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि समाज का एक वर्ग वेद प्रामाण्य के विषय को लेकर ब्राह्मणों का कट्टर आलोचक बनता जा रहा था। महावीर और महात्मा बुद्ध ने इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है। बहुदेवा, वैदिक धर्म बहुदेववादी था। उसमें अनेक देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सृष्टि की लगभग सभी शक्तियां देव समूह में सम्मिलित कर ली गई थी। राजा रानियां और बड़े बड़े शूरवीरों को भी देवताओं की पंक्ति में बिठा दिया गया था। इन समस्त देवी देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप तप आदि किया जाता था। यह ठीक है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उपनिषदों में उसका विशद उल्लेख भी है। फिर भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत समाज में कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया। इस काल में पुनः एकेश्वरवाद ने जोर पकड़ा और लोग सोचने लगे कि जब सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है तो इतने सारे देवी देवताओं की उपासना करना व्यर्थ है। उनका यह भी मानना था कि मनुष्य को अपने आत्मोत्कर्ष के लिए देवताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य विधाता हैं। इस प्रकार की विचारधारा के विकास के कारण बहुदेववादी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध असंतोष उठना स्वाभाविक ही था। यज्ञ और कर्मकांड। वैदिक काल के आरंभ में आर्यों का धर्म सरल तथा आडंबरहीन था। वे अपने यज्ञ और अनुष्ठान स्वयं कर लेते थे। इसके लिए पुरोहित की सहायता की भी आवश्यकता नहीं थी। परंतु धीरे धीरे इसमें कर्मकांड और तरह तरह के विधि विधानों की प्रधानता बनी। अब पुरोहितों की सहायता लेना आवश्यक हो गया। धीरे धीरे पुरोहितों का महत्व बढ़ा। उन्हें भी देवताओं के समान समझे जाने लगा। पहले एक पुरोहित से काम चल जाता था, अब उनकी समस्या अब संख्या 7 हो गई। 7 से बढ़कर 17 हो गई। ब्राह्मणों ने यज्ञों को अपनी रोजी रोटी कमाने का मुख्य साधन बना लिया था और इससे लाभ उठाते रहने की कामना से उन्होंने धार्मिक यज्ञों को कर्मकांडी अधिक जटिल, कठोर तथा खर्चीला बना दिया। अब अनेकानेक देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनकी पूजा होने लगी। अब यज्ञों में पशु बलि पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे यज्ञों को करवाना असंभव हो गया।
दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग ने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की भयावह धारणाएं पैदा करके जनता को शोषण करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में जादू टोना, चार फूंक, मंत्र तंत्र आदि अंधविश्वास समाज में बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों में विरोध की भावना का विकसित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे लोग मौजूदा धर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा थी। विरोध का दूसरा कारण पशु बलि था। तीसरा कारण आडंबर तथा अंधविश्वास था। यही कारण है कि जब महावीर तथा बुद्ध ने धर्म के सरल स्वरूप को प्रस्तुत किया तो लाखों की संख्या में लोग शीघ्र ही उनके अनुयायी बन गए। वर्णों का आपसी संघर्ष। आर्यों की प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था काफी उदार तथा लचीली थी। उस समय में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। चारों वर्णों का समाज में समान महत्व था, परंतु धार्मिक जटिलता के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी जटिल होने लगी। अब चारों वर्णों की निश्चित सीमाएं बांध दी गई और कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया। अर्थात अब वर्ण का निश्चय व्यक्ति के धर्म के आधार पर न किया जाकर जन्म के आधार पर किया जाने लगा। प्रारंभ में ब्राह्मणों को अपने साधना में सरल जीवन के लिए समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया था। क्षत्रियों को देश की रक्षा तथा शासन व्यवस्था का भार सौंपा गया था, अतः समाज में उसकी स्थिति भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग अपनी सुरक्षा तथा आजीविका के लिए क्षत्रिय वर्ण पर आश्रित था। परंतु बाद में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की प्रभुता अखरने लगी। वे अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानने लगे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम उनकी प्रतियोगिता का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। उपनिषद काल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष और अधिक बढ़ गया। इस काल में क्षत्रियों ने भी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन की एक विशेष शाखा ब्रह्म विद्या की स्थापना का श्रेय क्षत्रिय विद्वानों को ही है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस संघर्ष की झलक साहित्यिक रचनाओं में भी मिलती है। तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में जहां कहीं भी चतुर्वर्णों का उल्लेख है, वहां सदैव पहले ब्राह्मणों का ही उल्लेख मिलेगा, फिर क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का। इसके विपरीत जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें पहले क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख मिलेगा और फिर ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वर्णों का। क्षत्रियों की इस चुनौती ने भारत में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वैश्य वर्ग के पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण वर्ग उसे अपने बराबर सम्मान देने को तैयार नहीं था। अतः वैश्यों में भी ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्षत्रियों का साथ दिया। शूद्र लोग तो अपेक्षित जीवन बिता रहे थे, उन्हें मौजूदा धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था से कोई लगाव नहीं रह गया था। यही कारण है कि जब महावीर और महात्मा बुद्ध ने एक नवीन धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत की तो क्षत्रियों और वैश्यों और शूद्रों ने उसका स्वागत किया। उपयुक्त कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। इस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत तथा पाली थी, परंतु उस समय धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे। धार्मिक कर्मकांड भी संस्कृत भाषा में संपादित कराए जाते थे। केवल ब्राह्मण वर्ग ही इस भाषा में दक्ष होता था। सामान्य जनता को न तो संस्कृत लिखना पढ़ना आता था और न वह संस्कृत में बोलने वाले मंत्रों का ही अर्थ समझ पाती थी। अतः इस भाषा के विरुद्ध भी असंतोष उठ रहा था और लोग किसी सरल भाषा के उपयोग के लिए उत्सुक थे, ताकि वे भी धार्मिक बातों को समझ सकें। धर्म सुधार आंदोलनों को औपनिषदिक विचारधारा से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली थी। उपनिषदों में वैदिक धर्म की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया तथा इन बुराइयों का विरोध भी किया गया। उपनिषदों के कर्मकांड की भी पर्याप्त आलोचना की गई। उनके अनुसार यज्ञ करने और कराने वालों को बुद्धिहीन कहा गया। उपनिषदों ने ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष का साधन बताया। उन्होंने अहिंसा आचरण की पवित्रता पर जोर दिया। वस्तुतः उपनिषदों ने जैन तथा बौद्ध मत की पृष्ठभूमि तो तैयार कर दी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते जनता इन धार्मिक रूढ़ियों तथा सामाजिक बंधनों से उबने लगी थी। वैदिक धर्म तथा धार्मिक कर्मकांडों एवं मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से उसका विश्वास उठने लग गया था। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद एवं बहुदेववाद के साथ ब्राह्मणों के नैतिक पतन, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक असंतोष ने मिलकर आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इसी युग में इन सब कारणों से प्रतिक्रिया हुई और इस प्रतिक्रिया के कारण ही जैन तथा
बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन दोनों ही धर्मों ने जो शूद्र वर्ण थे या वैश्य वर्ण थे उनका स्वागत किया, और जो वैश्य वर्ण है उसकी सामाजिक स्थिति के और बढ़ जाने के कारण ही इन्होंने इन सबको खूब सहयोग किया।